Okay, welcome all of you. Dosto, aapka swagat hai in the top most educational platform and academy pe. Let's crack GATE and ISC. And good afternoon all of you. Fast, jaldi se jude and then class aaj ke start karein. Fast, afternoon all of you. Good afternoon. Chaliye jaldi se fast. Clear. तो आज जो लोग नए हैं उनको जल्दी से मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ और जो लोग पुरानी हैं उनको तो कंप्लीट आइडिया है. तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये एनएलसी एंड आईपैट एग्जाम के रिगार्डिंग ये थर्मल एंड फ्लूइड के जो सब्जेक्ट हैं उसमें प्रैक्टिस सेशन चल रहा है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं. जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है या क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग अभी तक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं. तो उसी के रिगार्डिंग आज जो है ये अपना 11th लेक्चर है. और जैसे हम लोगों ने 60 डेज का प्लान किया था 60 डेज का जो है ये अपना लॉन्ग शेड्यूल है आईपैट एंड एनएलसी के रिगार्डिंग. क्लियर. तो जैसे हम बात करें यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैकेनिकल में ही आपका ये प्रैक्टिस सेशन रन हो रहा है. अगर आपका कोई दोस्त है जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उनको इन्फॉर्म कर देना उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस चल रहा है. जैसे आपका मैकेनिकल में है सिमिलरली बोथ ब्रांचेस में भी आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बाय इंडिया के टॉप एजुकेटर. तो वो भी यहाँ पर आके अपने कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है इस वर्स्ट सिचुएशन में. ओके दोस्त चलिए फिर आगे चलते हैं. तो ये 60 डेज का लॉन्ग शेड्यूल है जो हम लोग अभी फॉलो करने वाले हैं. और ये प्रॉपर हमने पहली जो इंट्रोडक्शन की लेक्चर थी या क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था. क्लियर. तो जैसे उस क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि 20 डेज का अपन इन्वेस्ट करेंगे. पहला सब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन जिसमें आज 10 दिन हो चुके हैं यानी लास्ट में 10 डेज हो चुके थे. आज 11th लेक्चर है उसमें. क्लियर. तो आज हम लोग जो है जहाँ पर लास्ट क्लास अपन ने छोड़ा था बाइंड अप किया था यानी मैनोमेट्री उसी के आगे हम लोग आगे आज क्लास को प्रोसीड करेंगे. और आज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है. दो एक हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेसेस और दूसरा कॉन्सेप्ट है बॉयंसी एंड मेटा असेंटर. क्लियर. तो आज ये शायद मोस्ट प्रोबेबली अपन थ्योरी पहले देखेंगे. जब ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए यानी जैसे आपका स्टैटिक्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए एंड देन फिर अपन इंटर कर जाएंगे किसमें काइनेमेटिक्स में. तो ये अपन शेड्यूल जो है वो फॉलो करने वाले हैं. बेसिक थर्मोडायनामिक हीट एंड मास ट्रांसफर इंटरनल कंबशन इंजन रेफ्रिजरेशन एंड पावर प्लांट. चलिए तो इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन. क्लियर. तो आई एम अमित मौर्य एंड आई हैव अ टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर. पहले 7 साल से मैं गेट और एससी के फील्ड में ऑफलाइन में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ. क्लियर. एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम आईआईटी मुंबई इन 2014 विद 9.2 सीजीपीआई आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10. क्लियर. एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड वर्ल्ड के टॉप लेवल में जैसे मैंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है वर्ल्ड के टॉप लेवल में रिसर्च पेपर पब्लिश किया है. जो मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है यानी जो मेरा प्रोजेक्ट का एरिया है वो सीएफडी यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स. क्लियर. तो ये मेरा रिसर्च डोमेन है. तो अगर हम बात करें तो जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है ये मेरा ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर है. यानी जिस पे मैंने रिसर्च अपना किया है या जो पेपर पब्लिश किया है वो कंबसन से रिलेटेड है और ये एक्सपेरिमेंटल एंड थर्मल फ्लूइड साइंसेस में जैसे जर्नल में ये पब्लिश है. तो ये आपको मिल जाएगा एंड ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पेपर है जो पब्लिकेशन है जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं. थोड़ा स्ट्रॉट का इशू आ रहा है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर. देखो आपको करना क्या है दोस्त जैसे यूट्यूब पे आपकी ये क्लासेस चल रही हैं. क्लियर. फ्री ऑफ कॉल से प्रैक्टिस हो रहा है. ऐसे ही मार्च के मंथ में अनअकैडमी प्लस पे यानी जो आपका एजुकेटर ऐप है तो उस पे जो है ऑलमोस्ट 20,000 प्लस स्पेशल क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो है वो कंडक्ट की गई और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया. बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर क्वेश्चन या अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया.
तो अप्रैल मंथ में भी सेम कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी 20,000 प्लस जो है स्पेशल क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू रन हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप मुझे फॉलो करोगे अमित कुमार, क्लियर, तो वहां पर मैकेनिकल के दो बेस्ट सब्जेक्ट जो हैं वो रन हो रहे हैं, एक आपका पावर प्लांट, क्लियर, पावर प्लांट एक चल रहा है पावर प्लांट काफी डिटेल में चल रहा है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस कंडीशन में, या जो लाइव सेशन ले रहा हूँ तो इस कंडीशन में इस टाइम पे वहां पर जो है कंप्रेसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंप्रेसर के जो है फोर्थ क्लासेस हो चुकी है एंड हाइड्रोलिक मशीन के ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 या 11 क्लासेस हो चुके हैं, तो दो सब्जेक्ट चल रहे हैं और वो भी दोनों स्पेशल क्लासेस हैं, तो वहां पर आके आप कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को मैक्सिमम डिटेल में सीख सकते हो। क्लियर? तो पावर प्लांट एक चल रहा है और दूसरा जो है वो हाइड्रोलिक्स मशीन यानी HM चल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है वो फॉलो करना है, जैसे मुझे आप फॉलो करोगे, जैसे फॉलो कर लोगे तो आपको प्रॉपर क्लास से पहले नोटिफिकेशन मैसेज एंड मेल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई भी आपकी लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होगी दोस्त। चलिए, देन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन जैसे यहाँ से लिया है और बहुत सारे मेरे बच्चों ने भी यहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन लिया, तो पेड क्लासेस में अगर देखोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही डिटेल में चल रहा है और एक एक छोटे छोटे पॉइंट वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर सब्सक्रिप्शन देखोगे तो गेट एंड एससी का जो सब्सक्रिप्शन है, अब ये दोनों जो कोर्सेस हैं वो एक ही में मर्ज हो गए, अब दो अलग अलग आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। पूरा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी कुछ है सब आप यहाँ पर अब सीख सकते हो। और ये जो सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, 12 मंथ मिनिमम, जो कि गेट एससी या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उनको क्रैक करने के लिए मिनिमम 9 से 10 मंथ का टाइम आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए एंड 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपका 25,000 का पड़ेगा। बट अगर आप इस कोड को यूज करते हो AMYT अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको इंस्टेंट 10% का जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोस्त। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 पे करना पड़ेगा, बहुत ही लेस अमाउंट है। एंड अगर थोड़ा सा आप और प्रॉपर तरीके से चीजों को देखना चाहते हो, क्लियर, एंड प्लानिंग एंड कॉस्ट वाइज भी अगर कंपेयर करोगे तो फाइनेंशियल बर्डन भी उतना नहीं आएगा, मैं आपको 24 मंथ के लिए सजेस्ट करूंगा, 2 ईयर के लिए दोस्त, 2 ईयर के लिए। और ये अगर देखो 1 ईयर का 25,000 का, 2 ईयर का 50,000 का होना चाहिए, नहीं 30,000 का है। और ऊपर से एक चीज और भी है, अगर आप इस कोड को यूज करते हो, क्लियर, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट पे करना पड़ेगा ये 27,000, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त। क्लियर? अगर आप देखोगे तो ये 27,000 के का पड़ेगा और ये 22.5 के का पड़ेगा, यानी अगर 1 ईयर वाले में 1 मंथ और ऐड कर दोगे 4.5 के, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा, यानी 27K के आसपास। क्लियर? तो ये आपका 1,250 रुपए से भी लेस अमाउंट का पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। क्लियर? एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 4426004। एंड सब्सक्रिप्शन एक बार देखिए, अगर प्लस कोर्स पे आइए, फ्लूइड मैकेनिक जो चल रहा है, तो आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत कुछ मिस करने वाले थे। क्लियर? तो एक बार देखिए थोड़ा सा, क्लियर, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर दीजिए, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना मैं आपका करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सब्जेक्ट अपना चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? और इस फ्लूइड मैकेनिक्स में लास्ट टाइम पे मैनोमेट्री अपनी कंप्लीट हो गई थी, मैनोमेट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस ऑन प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस, देन फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी एंड मेटा सेंटर, एंड फिर लास्ट में थोड़ा सा रिजिड बॉडी का हल्का सा फार्मूला, एंड सेकंड चैप्टर आपका बाइंड अप हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स। क्लियर? तो आज दिन जो है वो और अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर 2 बाइंड अप हो जाए, टेंशन फ्री हो जाएंगे, एंड देन फिर मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे। थोड़ा टाइम अगर कम लगेगा तो हम टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, 15-20 मिनट लास्ट में देखते हैं। चलो, तो यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं, एंड दैट शुड बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स,
hydrostatic pressure a force, hydrostatic pressure a force on plane a surface. Hydrostatic pressure force on plane a surface. Force on plane a surface. On plane a surface. चलो तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोई हमारा एक प्लेन सरफेस है और वाटर जो है वाटर के फ्री सरफेस के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज करके रखा गया है. कंप्लीटली सबमर्ज करके रखा गया है यानी कंडीशन कुछ ऐसी है दोस्त कि मान लो सपोज हमारा कोई फ्री सरफेस है वाटर का फ्री सरफेस है तो कुछ ऐसे बोला गया सपोज ये जो है ये हमारा फ्री सरफेस है वाटर का और फ्री सरफेस जो है ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये हमारा फ्लूइड जो है वो वाटर है. फ्लूइड जो है ये वाटर है. वाटर को हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है ये हमारा हाइड्रो है और इसकी कंडीशन जो है वो स्टैटिक कंडीशन है यानी ये रुका हुआ है. ये इसकी जो कंडीशन है वो स्टैटिक कंडीशन है यानी ये रुका हुआ है. यानी इसका वेलोसिटी देखा जाए या एक्सेलरेशन देखा जाए ये हमारा जो है वो कम्प्लीटली जीरो है. अब इसमें सपोज किसी प्लेन सरफेस को हमने कम्प्लीटली सबमर्ज करके एक सर्टेन एंगल पर रख दिया. एंगल इसमें यहाँ से फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जनरल कंडीशन लेके चल रहे हैं. जनरल कंडीशन तो सपोज हमारा कोई एक प्लेन सरफेस है. एक प्लेन सरफेस हमारा कोई है जिसको हम लोगों ने वाटर से नीचे जो है वो कुछ डेप्थ सबमर्ज करके रखा है और उस पर अपने को निकालना है कि वाटर की वजह से कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स जो है वो डेवलप होगा. कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा. तो सपोज कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा है ये हमारा सपोज एक कोई प्लेन है. फिर ये कोई प्लेन है या एज मान लेते हैं कि सपोज ये हमारा वन सेकंड ये इस वाले सरफेस पे अपने को निकालना है कि कितना प्रेशर फोर्स आएगा. इस वाले सरफेस पे निकालना है कितना प्रेशर फोर्स डेवलप होगा. मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये अपना ए पॉइंट है और ये पॉइंट मान लेते हैं ये अपना जो है वो बी पॉइंट है. क्लियर. तो इस ए बी प्लेन पे जो है ए बी जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस पे या जो अपना प्लेन है इस पे अपने को निकालना है फोर्स कितना आएगा प्रेशर का. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लो जैसे ये जो डेप्थ है ये हमारी जेड वन है. यहाँ पर जैसे ये डेप्थ जो है वो जेड वन है और ये डेप्थ अगर हम देखें यहाँ पर फ्री सरफेस से तो मान लो सपोज जो डेप्थ हमारी है वो जेड टू है. ये डेप्थ जेड टू है. तो यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा एनालिसिस करें और एब्सोल्यूट प्रेशर को देखें तो जैसे यहाँ पर जो है ये पॉइंट ए हो गया. यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बी है. यहाँ पर अगर हम प्रेशर देखें यहाँ पर अगर हम लोग प्रेशर देखें तो यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा अपना जो होगा रो ऑफ द फ्लूइड जी हो जाएगा और हो जाएगा जेड वन जी जेड वन हो जाएगा. और यहाँ पर जो हमारा फोर्स आएगा यहाँ पर जो फोर्स आएगा यहाँ पर क्लियर यहाँ पर जो प्रेशर आएगा पहले वो हो जाएगा रो ऑफ द फ्लूइड जी और हो जाएगा जेड टू. क्लियर. तो प्रेशर का वेरिएशन या प्रेशर फोर्स का वेरिएशन आप ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हो और लीनियर वेरिएशन होगा. लीनियर जैसे प्रेशर का तो लीनियर वेरिएशन होगा. अगर डेप्थ के साथ देखा जाए तो प्रेशर ऐसे कुछ हमारा लीनियरली जो है वो वैरी करेगा. लीनियरली जो है वो प्रेशर वैरी करेगा. ये प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ जेड है यानी डेप्थ के साथ जो वेरिएशन होगा वो लीनियर वेरिएशन होगा दोस्त. लीनियर वेरिएशन जो वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा ये लीनियर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा. लीनियर वेरिएशन. क्लियर. तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हमारा प्रेशर जो है वो वेरिएबल होगा मान लो सपोज प्रेशर जो है अगर ये हमारा वेरिएबल है तो इसकी वजह से डेवलप होने वाला जो प्रेशर फोर्स होगा एफई प्रेशर फोर्स जो होगा एफई ये भी हमारा वेरिएबल नेचर का होगा. अगर ये देखोगे तो ये भी दोस्त जो है ये हमारा वेरिएबल नेचर का होगा. वेरिएबल नेचर ये भी हमारा जो है वो वेरी करेगा. क्लियर. और ये वेरी करेगा तो फिर इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा और एक्सेस एक्सेस कंसीडर करनी पड़ेगी. तो ये बोला गया ठीक है पहले एक्सेस कंसीडर कर देते हैं एंड छोटा सा एलिमेंट लेके अपना काम स्टार्ट करते हैं. तो मान लो सपोज ये अपना फ्री सरफेस था ये अपना फ्री सरफेस था और ये जो है ये अपना सपोज प्लेन था
ये जैसे अपना प्लेन जो है वो ए बी था, ये अपना प्लेन ए बी था, तो इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्सेस है ये हमारी वाई वाई एक्सेस है, यानी ये जो एक्सेस है पैरेलल डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये जो एक्सेस अपनी है ये वाई वाई एक्सेस है, वाई वाई एक्सेस है, एंड इस फ्री सरफेस का वाई वाई एक्सेस से जो एंगल है, क्लियर, और कौन सी डायरेक्शन में मैं निकाल रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये थीटा है एंड दैट थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो हमारा है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, क्लियर, और ये वाई वाई एक्सेस जो है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस भी, इसको हम बोल के चलते हैं कि ये जो है अपनी लॉन्गेस्ट एक्सेस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस है हमारी, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है हमारी, सबसे लॉन्गेस्ट एक्सेस जो होती है ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट एक्सेस है। अब इस प्लेन सरफेस पे अपने को निकालना है कि प्रेशर फोर्स हमारा कितना एक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है कि थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, तो जैसे ये अपना फ्री सरफेस था, ये अपना जैसे फ्री सरफेस होता था, ये अपना फ्री सरफेस होता था, और ये जो है वो अपना जैसे प्लेन हो गया था, क्लियर, ये जैसे अपना जो है वो प्लेन सरफेस था, ये जो था ये अपना प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस, ये पॉइंट अपना ए हो जाता था और ये पॉइंट जो है वो अपना बी हो जाता था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये अगर हम लोग देखें ये जैसे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये वाला जो अपना एंगल था ये हमारा थीटा होता था, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करता था इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज ये अपना ओ पॉइंट है, और ये जो है ये वाई वाई एक्सेस है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है इसको मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्स एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है ये हमारी एक्स एक्स एक्सेस है, क्लियर, ये हमारी एक्स एक्स एक्सेस है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एंगल जो है वो थीटा हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे आते हैं, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे हम लोग आए, वाई डिस्टेंस पे, और एक डी वाई का हम लोगों ने एलिमेंट ले लिया, डी वाई का जो है एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो ये जो है ये डी वाई का एलिमेंट हो गया, डी वाई का, और इसका जो डेप्थ यहां से है ये हमारी एच हो गई, ये डेप्थ हमारी हो गई, ये एच हो गई, क्लियर, ये डेप्थ हमारी हो गई एच। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया होगा, मान ले सपोज इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है ये हमारा डी ए हो गया, छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है मान लेते हैं सपोज एरिया जो है वो डी ए है, क्लियर, तो यहां से अगर हम इस एलिमेंट को बाहर निकालें और इस पर फोर्स निकालें, इस पर फोर्स क्या लगेगा, तो इस एलिमेंट को अगर हम बाहर देखें दोस्त, तो मान लो सपोज ये अपना डी ए एलिमेंट था, जैसे ये डी ए एलिमेंट है, डी ए एलिमेंट है मान लो, ये जो है ये डी ए एलिमेंट है, इस डी एलिमेंट पे जो हमारा प्रेशर फोर्स आएगा, प्रेशर जो लगेगा ये हमारा हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ फोर्स आएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ फोर्स आएगा, यानी डी एफ ई जो लगेगा ये हमारा हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी ए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी ए हो जाएगा। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी ए, यानी यहां से अगर हम निकालें तो डी एफ ई जो हमारा होगा वो हो जाएगा प्रेशर, यानी कि रो जी एच उस पर्टिकुलर डेप्थ पे रो जी एच, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा डी एफ ए। अब देखो एच क्या होगा, ये हमारा वाई है और ये एंगल जो थीटा है, तो एच हमारा हो जाएगा वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा रो जी एंड ये हो जाएगा वाई साइन थीटा,
एंड मल्टीप्लाइड बाय जो है वो डी ए हो जाएगा, ये डी एफ पी निकल के आ जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फॉर होल एरिया, और इसको इंटीग्रेशन अगर हम कर दें टोटल के लिए, तो यहाँ से अपना एफ पी निकल के आ जाएगा। एफ पी जो अपना होगा ये रो जी बार हो गया, साइन थीटा जो है ये बार हो गया, और ये इंटीग्रेशन फॉर होल एरिया एंड वाई डी ए हो जाएगा। और ये वाई डी ए इज अ मीन वैल्यू, क्लियर? ये वैल्यू जो होगी ये वाई बार इंटू एरिया हो जाएगा, वाई बार इंटू एरिया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एफ ई, ये रो जी साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय जो है वो वाई बार मल्टीप्लाइड बाय आपका एरिया हो जाएगा एज एन न्यूटन। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, क्लियर? ये आपका जो है वो एफ ई कैलकुलेट हो जाएगा, ये एफ ई जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आता है, जैसे चार चीजें होती हैं या तीन चीजें, एक तो अपना मैग्नीट्यूड होता है किसी फोर्स का, नेक्स्ट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड वन होता है लाइन ऑफ एक्शन, क्लियर? तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकल आता है, क्लियर? और डायरेक्शन क्या होगा हमारा, डायरेक्शन जो है वो प्लेन सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेन सर्फेस के परपेंडिकुलर। उसके बाद फिर आता है कि इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल होता है, कि वो कहाँ पर होगा, उसके डिस्टेंस हमारी क्या होगी, क्लियर? उसको हम लोग निकालेंगे कहाँ पर होगा। देखो जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो छोटे छोटे वेट का जो है वो सीजी होता है, सेंटर पॉइंट होता है जहां पर आपका वेट जो है वो कंसेंट्रेटेड होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो उसका जो रिजल्टेंट जहां पर फोकस होगा यानी प्रेशर फोर्स, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। प्रेशर का जो है वो सेंटर है वो, तो वहां पर प्रेशर फोर्स अपना क्या होगा, कंसेंट्रेटेड होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ये सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगा, एंड सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंट्रॉइड से हमेशा नीचे होता है। क्यों होता है ये सब मैं डिस्कस करूंगा। एक ही कंडीशन होती है जब सेंट्रॉइड से ये कॉन्साइड करता है, एक और कंडीशन होती है बट वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, क्लियर? तो मैक्सिमम केसेस में या 99% अपन ये बोल सकते हैं कि सेंट्रॉइड से हमारा नीचे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो कैसे होता है एक बार थोड़ा पहले समझते हैं एंड देन फिर उसके कैलकुलेशन के लिए चलते हैं। जैसे ये अपना जो है वो फ्री सरफेस है, जैसे ये अपना जो है ये फ्री सरफेस हो गया, और ये जो है ये अपना प्लेन सरफेस हो गया। और यहां पर ये बोला है जैसे ये जो है ये अपना प्लेन सरफेस हो गया, ऐसे कुछ ये हमारा हो जाएगा। ऐसे कुछ सपोज ये हमारा हो गया, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, और ये अपनी वाई वाई एक्सेस है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है ये जो एक्सेस है परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली, और ये पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है फ्री सरफेस वाला। ये परपेंडिकुलर जो एक्सेस है ये हमारी एक्स एक्स एक्सेस है, परपेंडिकुलर जो एक्सेस है ये एक्स एक्स एक्सेस है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जैसे प्रॉपर फिर डेरिवेशन के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्लियर? तो वो सब करना है तो डिटेल में फिर क्लास कोर्स पे आइए, क्लियर? तो यहाँ पर जो फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे उनको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर इसका कहीं सेंट्रॉइड है, मान लो यहाँ पर कहीं इसका जो है वो सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है वो कहीं सेंट्रॉइड पॉइंट है, तो सेंट्रॉइड से जो ये डिस्टेंस होगी हमारी, सेंट्रॉइड से जो ये डिस्टेंस होगी, सेंट्रॉइड से जो ये डिस्टेंस होगी ये हमारी वाई बार हो जाएगी, ये वाई बार हो जाएगी या वाई सीजी हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो होगी ये हमारी एच बार हो जाएगी, एच बार एच बार, और ये हम निकाल सकते हैं, क्लियर? एंड फिर यहां से एक जो सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट होगा वो इससे नीचे होगा कुछ, यहां पर मान लो सपोज अपना जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर यानी सीपी होगा, और सीपी से लग रहा होगा अपना जो है प्रेशर फोर्स, ये जो है ये हमारा प्रेशर फोर्स यहां से एक्ट कर रहा होगा, एंड दैट प्रेशर फोर्स इज एफ ई,
और ये डिस्टेंस जो यहां से होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो यहां से होगी ये हमारी वाई एसीपी हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो है ये वाई एसीपी हो जाएगा, वाई एसीपी। और इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा यहां से, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ये हमारा हो जाएगा एच एसीपी। ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारी होगी ये एच एसीपी हो जाएगी, एससीपी। तो ऐसे ये निकल के आएगा। अब यहां से देखो, अगर आप वाई सी पे निकालोगे तो वाई सी पे निकल के आता है वाई बार पेयर वाई बार प्लस का आई सी जी डिवाइडेड बाई वाई बार इंटू एरिया। ये वाई सी पे निकल के आता है वाई सी पी। अब यहां से अगर हम एस सी पी निकालेंगे, एस सी पी, तो एस सी पी निकल के आएगा दोस्त एच बार प्लस का आई सी जी आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये निकल के आएगा वाई बार इंटू एरिया, फिर वाई बार इंटू एरिया, ये निकल के आएगा दोस्त, ये निकल के आता है, ये निकल के आता है। फिर तो एक बार जरा इसको देख लो थोड़ा सा, ये डिस्टेंस निकल के आती है। और ये ऐसे अपन एस सी पी यानी उसकी जो लोकेशन होती है वो कैलकुलेट करते हैं। और प्रेशर फोर्स मैंने बता ही दिया कि क्या होता है, प्रेशर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमने आपको बता ही दिया, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये प्रेशर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हम लोगों ने देख लिया, ये होता है मैग्नीट्यूड। और ये होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो है वो डिस्टेंस। फिर अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं उनकी मैं वैल्यूज निकाल के आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। अंदर फिर कार्ब सर्फेसेस शुरू करते हैं, कार्ब सर्फेसेस। तो यहाँ टाइम बहुत लग जाता है दोस्त, क्लियर? तो ये बहुत डिटेल में है तो मैं फार्मूला बेसिस पे बोल रहा हूँ, बाकी मैं प्लस क्लास में आऊंगे तो वहां पर मैं प्रॉपर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ दोस्त। देखिए टाइम बहुत लगता है, प्लेन सर्फेस में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, एंड कार्ब सर्फेसेस में फिर 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो उतना टाइम नहीं है फिर अपने पास, तो बाकी सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लो सपोज पहली आपकी कोई ज्योमेट्री है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन छोटे पूछे गए हैं, तो ये 4-5 ज्योमेट्री हैं, इनको हम थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर दे रहे हैं। तो मान लो सपोज कोई एक रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री, मान लो सपोज ये कोई एक रेक्टेंगुलर जो है वो ज्योमेट्री है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, और ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये प्लेन है रेक्टेंगुलर जिसका अपने को निकालना है। क्लियर? ये जो डेप्थ है इसकी, ये जो डेप्थ है ये हमारी एच दी हुई है, ये जो डेप्थ है ये हमारी जो है वो एच दी हुई है एच, और ये वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी ए दिया हुआ है ए, ये वैल्यू जो है ये अपनी ए दी हुई है, और ये डेप्थ जो है वो कैपिटल एच है, डेप्थ जो है वो कैपिटल एच है, और ये जो है वो ए दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो यहाँ से इसका यहाँ पर कहीं पर एक्सेस है, मान लो ये सीजी एक्सेस होगा या सेंट्रोइडल एक्सेस बोल देंगे हम, तो ये जो एक्सेस है ये इसके सेंट्रोइडल एक्सेस है, मान लो ये जो एक्सेस होगी ये इसके सेंट्रोइडल एक्सेस होगी, सेंट्रोइडल एक्सेस। क्लियर? और इस एक्सेस के अबाउट जो एरिया मोमेंट होगा इसका, ये हमारा आई सी जी हो जाएगा, और एक एक्सेस होगी जो वर्टिकल एक्सेस होगी, एक एक्सेस और होगी जो वर्टिकल एक्सेस होगी, एंड वर्टिकल एक्सेस इज अवाई, वर्टिकल एक्सेस होगी वाई वाई एक्सेस होगी। क्लियर? एंड ये वैल्यू जो यहाँ से, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये अपनी जो है ये एच बाई टू है, ये वैल्यू एच बाई टू है, और इस एक्सेस के बाद जो आई सी जी होगा ये अपने को पता है, ये होगा अपना कितना ए एच क्यूब डिवाइडेड बाई जो है वो 12 होगा, एंड इसका एरिया जो है, एरिया एरिया जो है वो कितना होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई एच होगा। तो अगर इस पर पूछा जाए कि प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है एफ ई, तो एफ ई तो हम निकाल ही सकते हैं, एफ ई अपना सीधे निकल आएगा, एफ ई क्या होगा, रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाई जो है वो एरिया, रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं रो जी एच बार इज एच बाई टू हो जाएगा, एंड एरिया जो होगा ये आपका ए इंटू एच हो जाएगा। तो ये इज इन न्यूटन में फोर्स आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये एफ ई निकल आया। फिर अब एफ ई आ गया, अब इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, ये लोकेशन अपने को निकालना है, लोकेशन यानी कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर पे होगा, जैसे मान लो यहां पर लोकेशन है, यहां पर मान लो लोकेशन है इसकी, यहां पर मान लो लोकेशन है सेंटर ऑफ प्रेशर पे,
तो अपने को ये वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू जो है क्या होगी। जैसे यहां से आपका एफ फी लग रहा है, यहां से जैसे आपका एफ फी एक्ट हो रहा है, तो अपने को निकालना है क्या होगा। अच्छा, यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, क्लियर। यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का जो एंगल है 90 डिग्री। जैसे ये एंगल निकालोगे सर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एच सी पी निकालें, तो एच सी पी जो होता था ये होता था एच बार प्लस का जो है वो आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 90 यानी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच बार डिवाइडेड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया हो जाएगा। तो एच बार जो है ये एच बाई 2 है एंड प्लस का आई सी जी जो है आई सी जी इज ए एच क्यूब डिवाइडेड बाई जो है वो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है डिवाइडेड बाई एरिया या पहले एच बार है तो एच बाई 2 हो गया, एरिया इज ए इंटू एच ये हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक कैंसिल होगा और ये 2 से यहाँ से बचेगा आपका 6। तो ये हो जाएगा h बाई 2 एंड प्लस का जो है h बाई 6। तो यहाँ से जैसे 6 एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये 3 हो जाएगा 3h एंड प्लस का h, तो 4 हो जाएगा यानी कि 2 बाई 3h हो जाएगा। और ये जो है ग्रेटर देन इससे है, तो h बाई 2 से ज़्यादा है यानी नीचे ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसकी, ये हो जाएगी दोस्त, ये डिस्टेंस जो आएगी ये 2h बाई 3 हो जाएगी, 2h बाई 3। तो रेक्टेंगुलर प्लेन का जो एच सी पी होता है वो 2h बाई 3 पे आपका लाई करता है, क्लियर। ये वैल्यू आप थोड़ा सा याद रखना, ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आते रहते हैं, क्लियर। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहते हैं। चलो नेक्स्ट आगे, सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड जो ज्योमेट्री है वो सपोर्ट ट्रेंगुलर ज्योमेट्री है और ट्रेंगल जो है कुछ ऐसे करके रख दिया, जैसे ऐसे ये ट्रेंगुलर ज्योमेट्री हमारी है, ऐसे कुछ प्लेस है, ये वर्टेक्स है यहाँ पर और ये बेस जो है ये हमारा सपोज बी है, बेस जो है ये बी है और ये डेप्थ जो है ये मान लो सपोज अपनी एच है, ऐसे कुछ ये ज्योमेट्री है। और इसमें ये बोला है इसका जो है ये हम अपना जो है सपोज आई सी जी एक्सेस है, तो ये सपोज जो है वो सी जी एक्सेस है और इस सी जी एक्सेस के अबाउट जो हमारा आई सी जी होगा ये हो जाएगा आपका बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36, बी एच क्यूब बाई 36 हो जाएगा। और यहाँ से ये सेंट्रॉइड यहाँ पर कहीं इसका जैसे मान लो होगा, तो बेस से जो डिस्टेंस होती है ये हमारी होती है h बाई 3, तो बेस से h बाई 3 डिस्टेंस पे होगा h बार, यानी h बार जो इसका होगा वो हमारा h बाई 3 पे होगा और इसका एरिया जो हमारा होगा, एरिया इसका देखोगे ट्रंगल का तो एरिया हो जाएगा 1/2 बी एच हो जाएगा, क्लियर। अब इस पे जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा यानी जो एफ ई का वैल्यू होगा ये हो जाएगा रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाई जो है वो एरिया, तो ये हो जाएगा रो जी एच बार इज एच बाई 3 एंड एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बी एच ये हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा रो जी और बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है वो 6 हो जाएगा एज एन न्यूटन, क्लियर। तो ये निकल आया। अब ये जहां पर लगेगा वो अपना सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, यहाँ पर जैसे मान लो ये लगेगा तो ये सी पी होगा और ये सी पी का वैल्यू जो है वो अपने को निकालना है, एस सी पी का वैल्यू जो है यहाँ से लगेगा जैसे प्रेशर फोर्स। तो मान लो सपोज ऐसे जो है ये एफ सी लग रहा है, तो एफ सी की वैल्यू यहाँ से अपने को निकालनी है, यहाँ से जैसे ये वैल्यू जो है ये अपने को निकालनी है एंड दैट शुड बी एच सी पी, ये एच सी पी हो जाएगा, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एच सी पी हमारा कितना हो जाएगा, एच सी पी जो होगा ये अपना एच बार प्लस का जो है वो आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अगेन फिर से 1 हो जाएगा, 90 डिग्री है एंड डिवाइडेड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो एच बार जो है ये एच बाई 3 है एंड प्लस का जो है आई सी जी,
आईसीटी जो है वो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36 है मल्टीप्लाइड बाई 1 है, एच बार जो है वो एस बाई 3 है, एरिया जो है वो हाफ हाफ बी एच है। ठीक है, तो एच से एच आपका एक कैंसिल हो गया, ये दोनों एच कैंसिल हो गए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये 6 यानी 36 हो जाएगा। तो ये बचेगा एच बाई 3 और ये बचेगा एच बाई 6। ठीक है, तो जैसे एलसीएम लोगे तो ये 2H हो जाएगा और ये H एक 3H हो जाएगा, 3H डिवाइड बाई 6 तो ये बचेगा H बाई 2, H बाई 2 बचेगा, यानी ये HCP जो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से ये H बाई 2 निकल के आएगा। ये याद रखना, ये पूछा जाता है या यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं दोस्तों, ये H बाई 2 आ जाएगा। चलो इसी ट्रेंगल को अगर हम रिवर्स करके रख दें, ये भी बहुत पूछा गया है। अब अगर हम वर्टेक्स को ऊपर कर दें और बेस जो है वो नीचे कर दें, वर्टेक्स ऐसे कर दिया, ऐसे वर्टेक्स कर दिया और बेस जो है वो हम लोगों ने नीचे कर दिया। क्लियर, अब यहां से ये बोला गया कि जैसे इसका अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ही सारे आए हुए हैं। क्लियर, तो ये जो बेस लेंथ है इसकी, ये सपोज हमारी बी है, बेस की लेंथ जो है ये हमारी बी है एंड डेप्थ ऑफ ट्रेंगल जो है ये हमारी एच है, ये ऐसे कुछ दिया हुआ है। अगेन फिर से यहाँ पर एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगी यानी सी जी एक्सिस, तो सी जी एक्सिस सपोज यहाँ पर है ऐसे कुछ, ये अपनी सी जी एक्सिस हो गई और इस एक्सिस के अबाउट अपना आई सी जी होगा, आई सी जी अभी भी वही होगा, ICC अभी भी वही होगा, BH क्यूब डिवाइडेड बाई 36 होगा, इसका एरिया जो है वो अभी भी वही होगा यानी हाफ ऑफ BH हो जाएगा, चेंज होगा तो आपका सेंट्रॉइड का वैल्यू चेंज हो गया, अब वर्टिक्स से जो है ये 2H बाई 3 डिस्टेंस पे होगा, 2H बाई 3 डिस्टेंस पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये अब चेंज हो गई है। क्लियर, तो ये आपका 2H बाई 3 डिस्टेंस पे होगा, 2H by 3 distance पे। अब अगर यहाँ पर हम लोग फोर्स निकालें कि प्रेशर फोर्स अपना क्या होगा Fe, तो Fe जो होगा ये rho g h bar into area होता है, rho g h bar into area, यानी ये हो जाएगा rho g h bar का मतलब है 2H by 3 and area का मतलब है area is 1/2 BH, तो ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा रो जी एच बी, रो जी बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है वो 3 इज इन अ न्यूटन, इज इन न्यूटन, और ये निकल के आ जाएगा एफ ई, ये एफ ई निकल आया। अब इस एफ ई का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो कहीं यहां पर होगा यानी सेंटर ऑफ प्रेशर पे, सेंटर ऑफ प्रेशर पे अपना ये एफ ई लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे जो है वो एफ ई लगेगा, एफ ई लगेगा और ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली, ये हमारी हो जाएगी एच सी पी, ये वैल्यू जो है ये एच सी पी हो जाएगा, एच सी पी, एच सी पी हो जाएगा ये। फिर तो ये एच सी पी वैल्यू हो जाएगी और यहां से हम एच सी पी निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो यहां से एच सी पी हम निकाल सकते हैं दोस्त, एच सी पी फिर से वही अपना लिखेंगे हम, एच बार प्लस का जो है वो आई सी जी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया है एंड एच बार इज आर 2H बाई 3 एंड प्लस का आई सी जी यानी कि बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36 एंड डिवाइडेड बाई एच बार यानी कि 2H बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया यानी कि हाफ ऑफ, हाफ ऑफ बी एच हो जाएगा, हाफ ऑफ बी एच। तो अब देखो यहां से कुछ कैंसिल होगा, बी से तो पहले बी निपट गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टू से ये टू कैंसिल होगा और ये थ्री से जो है ये 12 हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना क्रॉस, ये आपका 2s बाई 3 एंड प्लस का जो है वो h बाई 6 निकल आएगा, h बाई 12 निकल आएगा, h बाई 12। तो इसको ऐड करोगे, इसको जब ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, जब यहाँ से ऐड करोगे तो 12 हो गया यानी कि 8 हो जाएगा, ये 8 एच हो जाएगा एंड प्लस का ये एच है डिवाइड बाई ये 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9h डिवाइडेड बाई 12 यानी 9h
तो ये 3 हो जाएगा और ये जो है वो 4 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3 बाई अ 4 एच, ये आपका निकल के आएगा। तो ये एच सी पी जो होगा हमारा ये निकल आएगा 3 बाई 4 एच, ये एच सी पी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये बेसिक तीन स्ट्रक्चर थे, ये हो गए। एक स्ट्रक्चर और छोटा सा बचा हुआ, जल्दी से वो कंक्लूड कर लेते हैं एंड देन फिर आगे चलते हैं और थोड़ा कर्व सर्फेसेस पे देखते हैं क्या होगा। और कर्व सर्फेसेस पे भी मैं फार्मूले ही बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन पे बहुत टाइम लग जाएगा वहां पर। तो फोर्थ जो ज्योमेट्री है, फोर्थ ज्योमेट्री जो है वो सपोज हमारी सर्कुलर ज्योमेट्री है, सर्कुलर ज्योमेट्री, सर्कुलर ज्योमेट्री है सपोज ऐसे कुछ, ये सर्कुलर ज्योमेट्री है और इसका एरिया अपने को दिया हुआ है, एरिया जो है इस प्लेन का वो हमारा डी है। इस प्लेन का जो एरिया है ये अपना जो है वो डी है, प्लेन एरिया जो है, सॉरी प्लेन डायमीटर जो है ये डी है। तो अपने को पता है कि जैसे मान लो ये हमारा फ्री सरफेस है, इस केस में तो अपने को पता ही है कि आई जो होता है किसी भी एक्सेस के अबाउट लिखो, आई जो होता है ये होता है पाई बाई 64 और डी स्क्वायर, या इसको हमें लिख सकते हैं कि डी के पावर 4 सॉरी, या इसको हमें लिख सकते हैं पाई बाई 4 और रेडियस की पावर जो है वो 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एंड एरिया जो यहाँ पर होगा ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 बोल सकते हैं, या पाई कैपिटल आर स्क्वायर बोल सकते हैं। सेंट्रोइड जो होगा वो कहां पर होगा, सेंट्रोइड जो होगा यानी एच बार जो होगा ये हमारा डी बाई 2 पे बोल सकते हैं या रेडियस आर पे। तो एरिया तो अपने को पता ही होगा, तो पहले तो प्रेशर फोर्स निकाल लो। प्रेशर फोर्स जो होगा ये हो जाएगा रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाई जो है वो एरिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो जी एच बार यानी आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना निकल के आ जाएगा रो जी पाई रो जी एंड ये आर का जो है वो क्यूब निकल आएगा एज एन न्यूटन, एज एन न्यूटन ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम आई उसके लिए जाएं, एस सी पी के लिए अगर जाएं हम लोग, तो एस सी पी जो अपना होगा ये तो अपने को पता ही है, ये हो जाएगा एच बार प्लस का जो है वो आई सी जी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई एच बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो ये अपना हो जाएगा एच बार यानी कि डी बाई 2 प्लस आई सी जी पाई आर स्क्वायर आर के पावर 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 एच बार, एच बार इज आर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर आई स्क्वायर, या इसको भी लिख लो आर। तो ये हो जाएगा कुछ कैंसिल होगा, देखो पाई से पाई पहले कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर प्लस और कुछ कैंसिल होगा, तो ये आर क्यूब कैंसिल होगा ना, आर क्यूब कैंसिल होगा, ऊपर आर बचेगा नीचे पाई बचेगा 4 बचेगा, तो ये r बाई 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5r डिवाइड बाई 4, क्लियर, 5r बाई 4 बचेगा। तो यहां से अपने का एस सी पी भी निकल आएगा, यानी एस सी पी जो होगा ये निकल आएगा 5r बाई 4, या इसको हम लिख सकते हैं 5d बाई 2 डिवाइड बाई 4, यानी ये हो जाएगा 5d डिवाइड बाई 8, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी। चल यहां तक हो जाएगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से और कर्व सर्फेसेस पे स्टार्ट करते हैं कि कर्व सर्फेसेस पे अपना प्रेशर फोर्स क्या होगा। नेक्स्ट वन जो है, सेकंड जो हमारा सबसे बेस्ट है, अब ये डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, काफी टाइम लगेगा फिर, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अ फोर्स ऑन कर्व्ड अ सर्फेसेस, फोर्स ऑन ऑन कर्व्ड सर्फेसेस, ऑन कर्व्ड अ सर्फेसेस, कर्व्ड सर्फेसेस में हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स क्या होगा ये अपने को निकालना है। तो मान लो सपोज ये हमारा जो है वो फ्री सर्फेस है, ये मान लेते हैं सपोज फ्री सर्फेस है और यहां पर कोई कर्व सरफेस है मान लो ए बी,
यहां पर कोई कर्व सरफेस है ए बी, ये ए एंड बी जो है ये कोई जो है वो अपना कर्व सरफेस है, तो जैसे ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे यहां पर हमारा फ्लूइड जो है वो फिल्ड है, और इस कार्ड सरफेस पे अपने को निकालना है कि प्रेशर फोर्स क्या होगा, यानी इस वाले कार्ड सरफेस पे अपने को निकालना है कि प्रेशर फोर्स जो है वो क्या होगा। अब देखो यहां कंडीशन दूसरी हो जाती है, वहां कंडीशन दूसरी थी, देखो यहां पर नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर जो है या प्रेशर फोर्स कुछ ऐसे होगा, फिर यहां पर नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर या प्रेशर फोर्स जो है वो ऐसे होगा कुछ। तो अगर आप यहां से यहां तक आओगे, यहां से यहां तक आओगे, ये तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, वहां पर केवल मैग्नीट्यूड वेरिएबल था, यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का ये भी हमारा वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड जो है ये भी हमारा वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड जो है ये वेरिएबल होगा। दूसरा अगर अपन डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी जो है ये हमारी जो है ये वेरिएबल होगी, डायरेक्शन भी जो है ये वेरिएबल होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर हमारे वेरिएबल हैं तो ये जो है ये सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस होगा, ये सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस होगा, ये सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस होगा, सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस, ये सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस जो है वो फॉर्म करेगा सेट ऑफ अनपैरेलल फोर्सेस। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक एलिमेंट ले लेते थे, एक कोई डीएसए का एलिमेंट ले लेते थे और उस पे जाके एफ एक्स और एफ वाई रिजॉल्व करके कंपोनेंट से हम निकालते थे, और कंपोनेंट से कुछ ऐसे निकल के आता था, जैसे एफ एक्स जो होता था वो कुछ ऐसे निकल के आता था, ये होता था रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाय एरिया एंड एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन, और एच बार भी जो होता था वो वर्टिकल प्लेन का एच बार होता था, और ये एफ एक्स जो लगता था ये वर्टिकल प्लेन के एच सी पी पे लगता था, वर्टिकल प्लेन के सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता था, वर्टिकल प्लेन के सेंटर ऑफ प्रेशर पे। कैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्लियर कैसे लगता था है? थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको रिकॉल कराता हूं, जैसे मान लो कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो सपोज कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई हमारा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ जो है वो हमारी कैपिटल एल है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, और इसका डायमीटर जो है यानी डायस जो है ये हमारा मान लो सपोज डी है, इसको हमने 20 से कट करके सपोज हाइड्रोस्टैटिक वाटर में प्लेस किया, और इसे कट कर्वेचर वाले सरफेस पे अपने को निकालना है कि प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, यानी कुछ ऐसे सपोज ये अपना जैसे फ्री सरफेस हो गया और इसको कट करके जैसे यहां पर रखा है, तो सेमी सिलेंड्रिकल जो शेप है, तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया मान लो ए है, ये पॉइंट यहां पर जो है मान लिया सपोज ये बी है और ये सी है, और इसका लेंथ जो है इन प्लेन वो सपोज अपनी एल है, जैसे ये इन प्लेन लेंथ हो जाएगी इसकी, इन प्लेन इसकी लेंथ हो जाएगी, तो ये लेंथ जो है इसकी ये कैपिटल एल है, ये कर्व सरफेस। अब इधर देखो जैसे अपना वाटर फील्ड है, हाइड्रोस्टैटिक वाटर इधर जो है वो अपना फील्ड है हाइड्रोस्टैटिक वाटर, अब इस पे निकालना है, तो इसको हम यहां पर खड़े हो जाएंगे, वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लेंगे, वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, तो वर्टिकल प्लेन में जब इस पॉइंट को आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मान लो ए डैश, इस पॉइंट को जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये पॉइंट अपना हो जाएगा मान लो बी डैश, इस पॉइंट को जब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट करके लाओगे तो ये पॉइंट सपोज अपना हो जाएगा सी डैश, यानी ये वर्टिकल जो है वो डायमीटर कुछ ऐसे दिखेगा,
वर्टिकल तो ये ऐसे हो गया, और जो लेंथ होगी इन प्लेन वाली वो कुछ ऐसे जाएगी, इन प्लेन ऐसे कुछ लेंथ हो गई इसकी। फिर तो लेंथ जो इन प्लेन वाली है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसा शेप हमारा रेक्टेंगुलर शेप जो है वो मेंटेन होगा। अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप निकल के आएगा, रेक्टेंगुलर शेप जो है इसका बनेगा ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर। सेमी सिलेंड्रिकल को जब प्रोजेक्ट करोगे वर्टिकल प्लेन पे, सेमी सिलेंड्रिकल को जब वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे कुछ हमारा रेक्टेंगुलर शेप दोस्त बनेगा, ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। और इस रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये जो है ये अपना एच बार है, तो ये एच बार हो जाएगा, ये एच बार हो जाएगा यानी सेंट्रोइड। तो एच बार जो है वो तो अपना वही अभी भी है जो डी बाई टू हो जाएगा, डी बाई टू। और ये लेंथ जैसे ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये वाली आर्म जो है ये एल है, और ये जो लेंथ है इसकी ये डी है। ये मान लो सपोज डी है डी, तो इसका एरिया तो मैं पहले ही बोल सकता हूँ, इसका जो एरिया होगा इस प्रोजेक्टेड प्लेन का जो एरिया होगा ये हो जाएगा एल मल्टीप्लाइड बाई डी, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो ये एच बार डी बाई टू पे हो गया, क्लियर। तो पहले तो फोर्स कितना होगा, अगर हम एफ ई कैलकुलेट करें तो एफ ई हो जाएगा रो जी एच बार प्रोजेक्टेड एरिया का, यानी डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया प्रोजेक्टेड एरिया का एल बाई डी, ये ऐसे कुछ देखेंगे। तो ये हो जाएगा रो जी एल आर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इन अ न्यूटन। तो ये तो न्यूटन में फोर्स निकल आया। अब अपने को निकालना एस सी पी क्या होगा। तो एस सी पी मैंने अभी अभी बताया है किसे रेक्टेंगुलर प्लेन का जो एस सी पी होता है, किसे रेक्टेंगुलर प्लेन का जो एस सी पी होता है वो टू एस बाई थ्री डिस्टेंस पे लाई करता है, टू एस बाई थ्री डिस्टेंस पे लाई करता है। यानी यहाँ से अगर आप निकालोगे तो टू एस बाई थ्री डिस्टेंस यानी कि एस सी पी जो हमारा होगा वो टू डी डिवाइडेड बाई थ्री डिस्टेंस पे लाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कहीं यहाँ पर जो है ये इसका एस सी पी होगा, कहीं यहाँ पर जैसे सी जी से नीचे यहाँ पर कहीं एस सी पी होगा, और यहाँ से ये फोर्स हमारा एफ ई लगेगा, एफ ई। एफ ई के लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींच लेंगे तो ये कट सरफेस पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा। ऐसे ये निकल आएगा, यहां पर लगेगा एफ ई, ऐसे ये निकल आएगा जो एफ ई यहां पर लगेगा, ये एफ ई हो जाएगा दोस्त, ये एफ ई हो गया, क्लियर। तो ये एफ ई हो गया और ये उसकी जो है वो लोकेशन निकल आई जो लगेगी। तो ये हमारा जो है हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, ये हॉरिजेंटल फोर्स निकल के आ जाएगा जो हमारा लगेगा, क्लियर। ये मैग्नीट्यूड होगा उसका जो हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा एफ ई एक्स, क्लियर। और ये हमारा जो है एफ ई एक्स जो हमारा होगा एफ ई एक्स, ये हमारा हॉरिजेंटल फोर्स निकल आ जाएगा और ये वो लोकेशन आ जाएगी जहां पर ये एक्ट करेगा। अब देखो वर्टिकल, वर्टिकल फोर्स जो हमारा होता है यानी एफ ऑफ वाई जो होता है वो होता है वेट ऑफ फ्लूइड, ये होता है वेट ऑफ अ फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस, वेट ऑफ फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस, अबव द कर्व्ड सरफेस, अबव द कर्व्ड सरफेस। ये कार्ड सरफेस के ऊपर का जो है वो वेट के इक्विवेलेंट होता है, कार्ड सरफेस के ऊपर के वेट के इक्विवेलेंट होता है दोस्त। कार्ड सरफेस के ऊपर का जो वेट होगा ये हमारा जो है एफ वाई देगा, एफ वाई। तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो सपोज सेमी सिलेंड्रिकल ही वेट वो हमारा कर्वेचर था, सेमी सिलेंड्रिकल कर्वेचर ही था जैसे वो अपना सेमी सिलेंड्रिकल कर्वेचर। तो अब लेफ्ट पोर्शन वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा वो रखा हुआ है बेचारा, लेफ्ट पोर्शन वाला ले लेते हैं और मान लेते हैं, मान लो सपोज ये पॉइंट अपना ए है और ये जो है ये अपना बी है और ये सी है, और इधर जो है वो अपना फ्लूइड जो है वो फिल्ड है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड इधर हमारा फिल्ड है सपोज। अब इस कर्वेचर पे निकालना है कि हमारा वर्टिकल फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा सही से पहले जनरलाइज करो, जैसे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट जो है वो बी हो गया,
यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाएं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग जाएं, फिर तो इस पर्टिकुलर इतने सेक्शन में अगर देखोगे तो फोर्स ऐसे लगेगा एफ सी। मान लो सपोज ये जो है वो अपना एफ सी वन है और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। एक हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा x और इधर लगेगा हमारा f ऑफ y। फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो ऐसे फोर्स हमारा लगेगा ऐसे ही है। ये जो है ये हमारा एफ सी टू हो गया, इसके दो कंपोनेंट होंगे अगेन। फिर से मान लो ये एफ वाई टू है, एफ वाई वन था, ये x वन था, तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा और इधर जो जाएगा ये हमारा एफ एक्स टू हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स टू और एफ एक्स वन ये तो ऐड हो जाएंगे सेमी डायरेक्शन में, लेकिन ये जो है एफ वाई टू और एफ वाई वन ये दोस्त माइनस होंगे एक दूसरे से, ये जो है ये माइनस होंगे। यानी अगर आप इस पे निकालोगे कि एफ ऑफ वाई टोटल कितना होगा, एफ ऑफ वाई अगर टोटल निकालने जाओगे दोस्त तो टोटल एफ वाई जो लगेगा वो हमारा हो जाएगा एफ वाई टू एंड माइनस का जो है वो एफ वाई वन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लियर। अब यहां से अपने को एफ वाई वन और एफ वाई टू जो है ये दोनों जो है वो कैलकुलेट करना है, एफ वाई वन और एफ वाई टू जो है ये दोनों अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं। तो मान लो पहले अगर हम एफ वाई वन के लिए जाए, एफ वाई वन के लिए तो जैसे ये अपना सरफेस था, ये ए पॉइंट हो गया और ये जो है वो अब बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। इस पे अपने को निकालना है कि ए बी पे क्या होगा, अपने को ए बी पे कैलकुलेट करना है कि ए बी पे क्या होगा। तो ए बी पे जो हमारा होगा ए बी पे वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं जैसे इसके ऊपर का वेट, ये जो हमारा वेट है इसके ऊपर का, ये हमारा जो है वो एफ वाई वन देगा, यानी नीचे की तरफ जो ये वेट लग रहा है एफ वाई वन जो होगा ये हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड above the AB a surface. Above the AB surface, AB surface के ऊपर का जो वेट होगा ये हमारा हो जाएगा क्लियर। AB surface के ऊपर का जो वेट होगा ये हमारा हो जाएगा FY1। दूसरा जो है जैसे नेक्स्ट अगर हम निकालें जैसे ये पॉइंट हो गया अपना A, ये पॉइंट हो गया अपना B और ये हो गया C। अब इसके ऊपर का जो वेट होगा, इसके ऊपर का जो वेट होगा ये वाला जो वेट होगा, ये वाला जो वेट होगा ये अपना, ये वाला जो वेट होगा ये हमारा हो जाएगा एफ वाई टू, यानी एफ वाई टू जो होगा ये वेट ऑफ फ्लूइड, एफ वाई टू जो होगा ये वेट ऑफ फ्लूइड अबव Above the BC a surface, above the BC surface, BC surface के ऊपर का वेट हमारा ये हो जाएगा क्लियर। यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है वो कॉमन है, जैसे माइनस आप करने जाओगे तो ये वाला दोनों में जो है वो कॉमन है, ये वाला जो वॉल्यूम आप देखोगे ये वाला वॉल्यूम जो है ये वाला जो वॉल्यूम है, यानी ये 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 वॉल्यूम आप निकालोगे या वेट, ये वॉल्यूम या वेट जब आप निकालोगे तो ये हमारा दोनों में कॉमन है, तो
तो ये जो है वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वेट इन साइड द सेमी सिलेंडर। यानी यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा वेट वेट इन साइड द सेमी सिलेंडर, वेट इन साइड द सेमी सिलेंडर, वेट इन साइड द सेमी सिलेंडर। सेमी सिलेंडर के अंदर का जो वेट होगा वही हमारा जो है वो एफ वाई टोटल बन जाएगा, यानी एफ वाई टू माइनस का एफ वाई वन। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। प्लीज दोस्त, जितने लोग भी देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, जितना हो पा रहा है मैक्सिमम उतना मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ यहाँ पे जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो जैसे ये 1 आवर का आपका लेक्चर होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 आवर बैठ रहे हो, 1 आवर पहले सोम एंड डिजाइन वाले सब्जेक्ट का, देन 1 आवर जो है प्रोडक्शन, एंड देन 1 आवर जो है वो थर्मल। तो 1 आवर के सेशन में जितना हो पा रहा है उतना अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। फिर 2-3 दिन के थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम बढ़ा लेंगे, अगर कुछ लगेगा कि अपना मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है देन। क्लियर? तो फिर आज का जो ये सेशन है फिर मैं यहीं पर रोकता हूँ दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखो, बहुत सारे बच्चे जैसे ये जो सोच रहे होंगे कि कैसे करेंगे, कैसे प्लानिंग आगे होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके बाद हम बॉयंसी एंड मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले टाइम पे जो है बॉयंसी और मेटा सेंटर यानी कल आपका हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन 1-2 दिन पहले अपन क्वेश्चन समझ लेंगे, जैसे 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट के आसपास क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑलमोस्ट डेली 60-70 क्वेश्चन जो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2 दिन क्वेश्चन जो है अपन मैक्सिमम निपटा देंगे। क्लियर? तो 2 दिन क्वेश्चन करने के बाद फिर अपन काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर लेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है टॉपिक जो है वो काइनेमैटिक्स, क्योंकि काइनेमैटिक्स से फिर उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो डेली अपन आधे घंटे कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो वहां से अपन पूरा बाइंड अप करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा जैसे 1-2 टॉपिक के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। जैसे 1 टॉपिक था बाउंड्री लेयर थ्योरी, जल्दी से मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। जैसे 1 है बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये आप देख सकते हो। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसके 4 लेक्चर जो हैं 4 लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ये सर्च कर लेना मेरे नाम से। क्लियर? अमित मौर्य बाउंड्री लेयर टाइप करके, अमित मौर्य। क्लियर? तो ये जो है 4 लेक्चर आप देख डालो, 1 बाउंड्री लेयर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अनअकेडमी ऐप पे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ऑन प्लस क्लास पे या ऐप पे, ऑन प्लस या ऐप पे जैसे आप उसे इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और फॉलो कर लो, तो वहां पर एक सब्जेक्ट आपका हाइड्रोलिक्स मशीन चल रहा है बढ़िया डिटेल में, वो आ जाओ देख लो। मैकेनिकल के हो तो वहां पर पावर प्लांट भी चल रहा है, वो भी डिटेल में आके देख सकते हो वहां पर। क्लियर? तो वहां पर भी, वहां से भी अपने मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो कवर अप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहीं पर ही क्लासेस आपकी हो रही है, वहां पर भी बहुत सारी स्पेशल क्लास आपकी रन हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेले ले रहा हूँ, बहुत सारे एजुकेटर वहां पर स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, तो उनकी भी क्लासेस आप लोग देख सकते हो, तो वहां से मैक्सिमम आपका कवरेज हो जाएगा। क्लियर? एनएलसी एंड आईपैट एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो थोड़ा सा आप देख लो, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने जैसे अभी जो है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे बोलूंगा कि सर आप जल्दी से चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि जैसे आप जैसे सब्सक्राइब नहीं करोगे या बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको नहीं आएंगे। और बहुत कुछ अनअकैडमी चैनल पे जो है वो रन कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइव क्लासेस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास मिस ना होने पाए। एंड देन फिर टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी जो है सर्च करके, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जैसे टॉप एजुकेटर के थ्रू जो क्वेश्चन होते हैं या पीडीएफ या उनका सोल्यूशन या जो गाइडेंस जो आपका होता है सेशन, वो सारा यहाँ पर आता रहता है। तो ये सब आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अपने स्टडी को जो है वो आगे कंटिन्यू रख सकते हो प्रॉपर वे से। फिर अगेन लेट्स से क्रैक गेट एंड आईएससी, एंड थैंक यू दोस्त वॉचिंग फॉर दिस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मेजर टॉपिक है बॉयंसी एंड मेटा सेंटर, बॉयंसी एंड मेटा सेंटर एंड क्वेश्चन। तो बाकी लोग जो नहीं आ रहे हैं या जो लोग नहीं देख रहे हैं, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो, जुड़े यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, जैसे हमें भी मोटिवेशन आए ऐसी सीरीज या ऐसे जो ये अपने सेशन होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस, थैंक यू।